नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आज हमारे पास में प्रॉब्लम आई है जो अनवांटेड ईमेल आते हैं हमारे पास में। काफ़ी सारे मेरे भाई और काफ़ी सारी मेरी बहनों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में अनवांटेड ईमेल आते रहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपके पास में वो ईमेल आए, तो उसको कैसे आप बंद कर सकते हो, कैसे उसको रोक सकते हैं, आज की वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं या आपके पास में और किसी प्रकार के भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के ईमेल को आपकी ईमेल आईडी पे आने से कैसे रोक सकते हैं, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जीमेल से रिलेटेड या फिर मोबाइल से रिलेटेड आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में यहाँ पे ऊपर मिलेगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को मोबाइल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अभी हम आज की जो प्रॉब्लम है उसका क्या सलूशन है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके जीमेल आईडी को ओपन करना है। मैं अपने इनबॉक्स को ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जिस भी ईमेल को आप बंद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो ईमेल आपके पास में बार बार ना आए और आपका जो भी इनबॉक्स भरता रहता है आप चाहते हैं वो ना आए, तो इसके लिए क्या करना है, वो ईमेल को ओपन करना है। तो मैं एक बार ईमेल को ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं जैसे मान लो मैंने ये देखिए दीपक के नाम से कुछ ये ईमेल मेरे पास में बार बार आती रहती है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली ईमेल मेरे पास में ना आए, देख सकते तीन तो अभी आ गई, वो काफ़ी सारी मेरे पास में आती रहती है और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि ये मेरे पास में ना आए। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको इसके ऊपर ओके करना है, ईमेल को ओपन कर लेना। जिस भी ईमेल को बंद करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी की तरफ से कोई भी ईमेल आती है आप चाहते हैं उसको बंद करना, तो उस ईमेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद में बिल्कुल लास्ट में जाना है आपको। देखिए लास्ट आ चुका है और यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में यहाँ पे क्रोम के अंदर ओपन करना है, ये ऑप्शन मांगेगा आपसे, तो आपको क्या करना है, क्रोम पे ओके करना है और थोड़ा वेट करना है। और इसके बाद में एक क्रोम के अंदर एक पेज ओपन होगा, मैं दिखा देता हूँ आपके सामने। तो हर कंपनी का अलग अलग पेज हो सकता है, बट यहाँ पे अनसब्सक्राइब करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन चार ऑप्शन पूछ रहा है क्यों आप अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, आई नो लॉन्गर विश टू रिसीव दिस ईमेल, मैं नहीं चाहता कि ये ईमेल मेरे पास में आए, कुछ भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करके और आपको क्या करना है, यहाँ पे शेयर फीडबैक करना है आपको। इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ मिलेगा आपको, यू हैव बीन अनसब्सक्राइब फ्रॉम दीज ईमेल्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ से अनसब्सक्राइब हो चुका है, अभी आपके पास में इस कंपनी की तरफ से आपके पास में मेल नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप कोई भी ईमेल को बंद कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की तरफ से आपके पास में मेल आता है तो इस तरह से आप बंद कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी की मदद हो जाए। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं उसको लेके मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका भाई आपका रिप्लाई ज़रूर करेगा, हो सकता लेट करे बट आपका रिप्लाई ज़रूर आएगा। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई प्रॉब्लम को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।